वेलकम बैक टू गेमिंग एरा। तो क्या हाल है आप सब लोगों के, उम्मीद करता हूँ सब कुछ बढ़िया ही होगा। सो यहाँ पर हम वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं आईक्यू वाले इवेंट के बारे में बात करके। सर, आईक्यू को कितना लॉस का सामना करना पड़ा है एंड आईक्यू के साथ ही साथ किन किन लोगों को यहाँ पर लॉस का सामना करना पड़ा है, इसके ऊपर आप एक डायरेक्ट आंसर देख सकते हो। अप्रॉक्स कितना लॉस हुआ होगा? बहुत तगड़ा ब्रो, बहुत तगड़ा। देखो इनडायरेक्टली मैं बोलूँ, बहुत लोग, थोड़ा एक गुड मैसेज है मेरा, मतलब समझ, अगर आप लोग अच्छे से समझोगे तो बहुत अच्छा चीज़ है, ठीक है। क्योंकि इनडायरेक्टली हम सबको नुकसान हुआ है, हम लोग सबको नुकसान हुआ है। आप व्यूअर्स को नुकसान हुआ है, एमकास्टर्स को नुकसान हुआ है, उधर प्लेयर्स को नुकसान हुआ है, पूरे इंडियन गेमिंग कम्युनिटी को नुकसान हुआ है कल लिटरली। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा और आपका नुकसान हुआ है, सभी का नुकसान हुआ है। ये नहीं कि सिर्फ आईक्यू का नुकसान हुआ है, प्लेयर्स का नुकसान, नहीं, तुम लोग जो व्यूअर्स हो उनको भी नुकसान हुआ है कल। और ये चीज़ अगर आप लोग उस वे में समझना चाहोगे तो बहुत सही रहेगा कि लाइक कोई लगाया है, सोचो एक एग्जांपल देता हूँ मैं कि आप लोग में से सपोज एक बंदे को मैं अगर उठा लूँ तो घोस्ट भाई, देखो चैट पे दिख रहा है, ठीक है। तो घोस्ट भाई मान लो एक बहुत अच्छे ब्रांड है, घोस्ट कंपनी उनका नाम है, उन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, उन्होंने लगाया, बहुत अच्छे पैसे लगाए और उनको वो रिजल्ट्स नहीं मिला जो वो चाहते थे, तो घोस्ट भाई तो नाराज़ होंगे मेरे से। अब घोस्ट भाई क्या बोलेंगे कि भाई तुम गलत हो और ये पूरा सिनेरियो गलत है, तो मैं नहीं आऊँगा। अब मैं सेफर साइड देखूँगा कि कैसे मैं करवाऊँगा, लेकिन ऐसे तो नहीं करवाऊँगा। अब समझने वाले इसी से समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि गलत सीन हुआ है, पूरा गलत सीन हुआ है कल, ये पहली बार हुआ है शायद इंडिया, तो ठीक है, हमारा कुछ नहीं हो, पता चलेगा ब्रो। अगर आप ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनना चाहते हो इन फ्यूचर तो अब आपके लिए जो रास्ते होंगे वो और टफ हो जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है यार, लेकिन अभी मैं रिप्लाई इस पर नहीं देना चाहूँगा, क्या सिनारी होगा आईक्यू की तरफ से आने वाले डेज का इवेंट जो भी है, तो इसके अराउंड हम लोग बातचीत अभी नहीं करेंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैं बस चाहूँगा कि कोई भी ब्रांड कम्युनिटी से बाहर ना जाए, ये बस होप करो, होप बनाओ कि ऐसा ना हो। क्योंकि जितने ब्रांड्स एंटर करेंगे BGMI में, जितने ज़्यादा ब्रांड्स इंटरेस्ट दिखाएगी, उतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आप लोग के लिए खुलेंगे, उतना ज़्यादा मज़ा हम लोग को आएगा। समझ रहे हो, मतलब एक साइकिल है गाइस, समझ रहे हो, एक साइकिल है जिसपे ब्रांड्स, प्लेयर्स, कास्टर्स, मैनेजमेंट, जो भी ब्रांड यहाँ से घूमता है तो सब घूमते हैं। ब्रांड अगर रुक गया ना तो ये सब जितने भी और है ना सब गड़बड़ा जाएगा। वही वीडियो में आगे बढ़े तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अमित भाई के बारे में। सो रिसेंटली आपने नोटिस करा होगा कि आईक्यू इवेंट जो होने वाला था, इसमें आज CG की तरफ से ओमेगा यहाँ पर एज अ कोच हमें देखने को मिलने वाले थे, बाकी चारों प्लेयर्स के अराउंड। एंड यहाँ पर यार इस डिसीजन के बारे में अमित भाई बात करते हुए नजर आ जाते हैं कि उन्होंने इस डिसीजन को ट्राई करने का क्यों सोचा। हमने वो करा कि भाई गट्स होना चाहिए इतना बड़ा स्टेप लैन पे लेने के लिए, और हम सीधा लैन पे ही लेंगे। मतलब डिसीजन तो ऐसा था कि ओमेगा को मैंने दे रखे थे, दो ऑप्शन थे, उसने एक चूज किया उसमें से, तो ओमेगा वाज आल्सो फाइन विद इट बेसिकली, राइट। मतलब डिसीजन मेक, मतलब ये जो ऑप्शन में डिसाइड कर रहे थे ये ओमेगा का ही एक था कि, मतलब क्योंकि ऐसा होता था कि कई बार लोग ऐसा थॉट लेके बैठते थे और हम लोग भी लेके बैठते थे कि क्या होगा अगर एक जिसको हम IGL कोई परफेक्ट IGL मान रहे हैं अगर वो ना खेले, और जैसे 10 पॉइंट वाला मैटर, 15 पॉइंट वाले में तो कोई सेंस नहीं है, IGL पे एक्सपीरियंस है तो वो पोजीशन पॉइंट लेके ही आएगा, बता देगा, प्ले कुछ कर लेगा। पर जब बात आती है खाली खाली मारने वाली, ठीक है, तो ऐसा लगता है लोगों को, या टीम में भी हो सकता है ऐसा लगता हो कि मेरी जो स्ट्रांग प्लेयर है वो बाकी के चार हो सकते हैं कि ओमेगा से जो हट के बाकी के चार स्ट्रांग प्लेयर है वो ज्यादा स्ट्रांग हो गन फाइट में, तो बस वो ट्रायल था। वहीं वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ओवेस के बारे में। सो रिसेंटली ओवेस यहाँ पर रिएक्शन देते हुए नजर आ जाते हैं उस इंटरव्यू के बारे में जिसके बारे में हमने कल बात करी थी, जहाँ पर हमने जाना था कि यार घातक भाई और IFA मिल करके कितना कुछ करने वाले हैं इस कम्युनिटी के लिए। एंड यहाँ पर यार ओवेस भी यहाँ पर उसी चीज के ऊपर रिएक्ट करते हुए नजर आ जाते हैं। जो अभी गेमिंग कम्युनिटी बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, जैसे हैकिंग का हो गया, इनविटेशनल स्लॉट्स का हो गया, बहुत सारी चीजें यार, मतलब एक तो छोटे मोटे पॉइंट्स मैं आपको दे रहा हूँ, तो बहुत सारे एज अ अंडरडॉग जब मैं खुद भी था मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए, राइट, तो मुझे पता है वो प्रॉब्लम्स क्या है और वो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन एट द टाइम पीरियड, मतलब जितना मैंने टाइम स्पेंड किया और मुझे दिमाग में आता था कि भाई ये इजीली सॉल्यूशन इसका निकल सकता है और हम लोग निकाल लेंगे। अभी इंडस्ट्री अपनी इतनी ग्रो हो चुकी है ना कि सब लोगों को मतलब ऊपर का दिख रहा है, नीचे जो ग्रास रूट पे डैमेज चल रहा है ना वो किसी को नहीं पता है। क्या मतलब एकदम करेक्ट पॉइंट बोला है घातक भाई ने, करके नीचे क्या चल रहा है ना वो किसी को नहीं पता, किसी को नहीं।
सबको ऊपर ऊपर से लगता है कि भाई बहुत इंडस्ट्री में तो बहुत अच्छा चल रहा है, सब लोग पैसा कमा रहे, फेम कमा रहे, बट नीचे क्या चल रहा है ना वो किसी को नहीं पता, मतलब ऑडियंस को, लोगों को पता है, जिनको पता है किसी पे पावर नहीं है और किसी को कुछ करना नहीं है जिस पे पावर है, तो उस चीज़ को हम लोग और स्ट्रेंथन करेंगे। गाता भाई ने ना जब वो गेम रूम के हम स्क्रीम्स करवा रहे थे भाई, मेरे को इतना सपोर्ट किया था ना चीज़ों में, इतना सपोर्ट किया था और हमने बिल्ड करी बहुत अच्छी कम्युनिटी। उस टाइम की कम्युनिटी वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिटी थी जो हमने बिल्ड करी थी, उसमें आप भी थे और भी लोग हैं जो थे। 2019-2020 विलेजर्स ई-स्पोर्ट्स, ई-स्पोर्ट्स नेटवर्क, ये वो जब चलता था ना वो मजा आता था वो टाइम। ये एकदम सच्ची बात है गाइस, इस पे मैं एग्री करता हूँ। उस समय जो स्क्रीम्स चलती थी, उस समय के जो लोग थे वो, इट वॉज बेस्ट, बहुत अच्छा था, उसमें बहुत अच्छा लगता वो था, वो इमोशन था। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो इमोशन दोबारा से वापस आए। और सबसे मेन प्रॉब्लम है कि बोलते नहीं है प्लेयर जी, लाइव नहीं जाते, स्ट्रीम नहीं करते, जहाँ पे बोलने की जरूरत है बोलो, लोगों को क्लियर पिक्चर दिखाओ कौन सही खेल रहा है, कौन सी टीम अच्छी खेल रही है, कौन सा प्लेयर एक रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, राइट। हम लोगों ने हवा बना के रखा है, मतलब एक बबल में जी रहे हम लोग, कि जहाँ पे हम लोग जिनको सर पे लेके चल रहे हैं ना, वो खुद एक स्पोर्ट्स एथलीट का एटीट्यूड लेके कैरी नहीं कर रहे ऐसी डेट में, वो खुद इतना कंफर्टेबल हो चुके हैं कि वो क्या एग्जांपल सेट करेंगे नए प्लेयर्स के लिए, मतलब ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये चीज सच्चाई वाली बात है एकदम 100% कंपनी छोड़ के नया ये काम चालू किया कि भाई नए प्लेयर्स लाऊं मैं, राइट। तो ये मुझे करना है, बस बिल्कुल आई थिंक प्रॉब्लम है ना सिस्टम के अंदर, प्रॉब्लम है। हमने ट्रांसफर्स भी देखे हैं, बहुत सारे ट्रांसफर्स। यही चीज गाइस मैंने दो दिन पहले बोली थी कि प्लेयर्स में ईगो आ गया है, सब खुद को बेस्ट समझने लग गए हैं, और जो वो गेम का पैशन था ना वो धीरे धीरे प्लेयर्स के अंदर कम हो गया है, ये चीज़ मैंने बोली थी। वही चीज़ घातक भाई ने पॉडकास्ट में बोला है जो कि 100% सच है, और ये वही समझ सकता है जो ओल्ड है, जिनको पता है, जो एकदम नीचे से आया है, जो पहले से आया है, हर कोई नहीं समझ होता है। बट बाकी वीडियो में आगे बढ़े तो यहाँ पर हम बात करने वाले एक एजेंडा के बारे में जो टीएक्स के अगेंस्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। बेसिकली आपको पता होगा कि टीएक्स के प्लेयर्स की एक स्पॉन्सरशिप हुई है वन विन के साथ, एंड वेल यहाँ पर उनके अगेंस्ट हेट्रेड स्प्रेड करी जा रही है कि वो एक बैंड बेटिंग एप्लीकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। सोवेल मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है। सोवेल इसी एजेंडा के रिगार्डिंग यहाँ पर सरदार जी वाईटी ओपिनियन देते हुए नजर आ जाते हैं, जहाँ पर वो फैक्ट स्पिट करते हुए कुछ बोलते हैं। अभी यही कोई क्रिकेट में कर रहा होता क्रिकेटर, तब तुम्हारा सब सही चलता कि आज प्रेडिक्ट करो, ड्रीम 11 करो, ये करो वो करो। भाई ये वाला बस लिटरली बहाने हैं कि हाँ स्काउट की टीम मिल गई तुम्हें, अब कुछ हो गया बोलने को तो बस चार लौंडे बच जाएंगे कि देखो देखो स्काउट ने ये कर दिया, देखो देखो वो। अरे यार बाबा मिच्योर कब होंगे लोग यार, कब होंगे मिच्योर कब, मुझे तो ये समझ नहीं आता भाई। तुम्हारा डिसीजन तुम्हें नहीं करना प्रमोट, तुम मत करो, जिसको करना उसको करने दो, और किसी के पीछे ढुई में उंगली करने के क्या मिलता है भाई। ये कर दिया तो क्यों कर दिया, उससे नहीं किया तो क्यों किया, भाई गजब लोग है। लेकिन यार ये तो देख लिया मैंने भाई आज, कितने बच्चे लोग हैं भाई, बहुत बच्चे हैं। वही इसी चीज के बारे में आगे बात करें तो यहाँ पर थग भी इसी चीज के ऊपर रिएक्ट करते हुए नजर आ जाते हैं, वो भी ऑन स्क्रीन आप देख सकते हो। स्पॉन्सर को लेके ये लोग क्यों हेट दे रहे हैं स्काउट को, अरे अमन भाई छोड़ो ना, जिनसे हो नहीं रहा वो क्या ही बचेंगे, बचने तो। सो वेल इट्स अ फैक्ट कि यार जब क्रिकेटर्स और सेलिब्रिटीज करते हैं तब कोई कुछ नहीं बोलता। इनफैक्ट आईपीएल में भी हमें यार बेटिंग चीज स्पॉन्सर्ड देखने को मिलती है तब कोई कुछ नहीं बोलता। बाकी वीडियो में आगे बढ़े तो यहाँ पर हम बात करने वाले स्काई स्पोर्ट्स में ड्रॉप क्लैश के बारे में। सो बेसिकली स्काई स्पोर्ट्स का जो इवेंट हमें देखने को अभी मिलने वाला है, इसके अंदर यासनाया पे हमें ड्रॉप क्लैश देखने को मिलने वाला है, वो भी एक मेजर अमाउंट में। एंड मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसकी क्लिप ऑन स्क्रीन आप देख सकते हो। अरे भाई ने काफी अच्छी चीज दिखाई भाई, 3 ड्रीम्स इन ड्राइव क्लास। अरे भाई हाँ, ये मैंने अभी ध्यान दिया गाइस ग्रुप वाइज का, बट ये तो भाई बहुत तगड़ा सीन होगा, ये तो भाई बहुत ही तगड़ा सीन हो जाएगा भाई। मैं तो ये सोच रहा हूँ गाइस कि जब ग्रुप ए और सी होगा, ठीक है ग्रुप ए और सी जब होगा तो फिर ये तो बवाल मच जाएगा, चार टीम, मतलब यासनाय को चार टीम शेयर करेगी क्या फिर भाई? ये तो अलग ही सीन है भाई। गॉडल भाई मतलब चार लाइक कितनी टीम्स है, इतना तो आ ही नहीं पाएंगे। कैमिन इधर आ गई, क्योंकि उन्होंने बोला कि रीसेंट भाई हम तो अपने ड्रॉप चेंज नहीं करवा रहे, बट किसी को तो भाई पीछे मुझे लग रहा है हटना पड़ेगा, वो कौन सी टीम हटेगी वो तो भाई अभी अपकमिंग में पता चल पाएगा। ओआर यहाँ पर और टीएक्स यहाँ पर, ओआर सेवनी, आई नो ओआर सेवनी गई है बट बीच में वो तो शायद देखो यार खाली लैन के लिए गई थी, अब मुझे लग रहा है लैन के लिए तक था वो, अगर जाएगी तो अच्छी बात है, फिर कैमिन रहेगी, फिर ओवर को हम हटा सकते हैं यहाँ से। बाकी वीडियो में आगे बढ़े तो यहाँ पर हमें एक लीक देखने को मिल जाती है थग भाई की तरफ से कि SC12 का एक इन्विटेशनल टूर्नामेंट हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा SC12 की तरफ से, वो भी अगले आने वाले मंथ के अंदर। सो वेल यार ये बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। बाकी खैर वीडियो में आगे बढ़े तो यहाँ पर यश परमेश्वरी बात करते हुए नजर आ जाते हैं प्राइस पूल के बारे में कि प्राइस पूल बीजमा के अंदर श्रिंक क्यों होता जा रहा है। एंड यहाँ पर कुल भाई बोलते हैं लोअर टू मिड रेंज ई-स्पोर्ट्स सेगमेंट फिनिश हो चुका है यार, स्पॉन्सरशिप नहीं
मिलने की वजह से एंड स्ट्रीमिंग डील्स में भी यार काफी ज्यादा डाउनफॉल हमें देखने को मिला है। एंड बेसिकली यहाँ पर कोई भी नहीं है जो फंडिंग दे सके टीओस को, सो सिर्फ प्रीमियम सेगमेंट यार अभी के टाइम पर एक्टिव है। ऑल्सो कुल भाई यहाँ पर नॉन बीचमैन स्ट्रीमर्स के रिगार्डिंग बात करते हुए नजर आ जाते हैं कि रिस्पेक्ट टू नॉन बीचमैन स्ट्रीमर्स, इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू पुल व्यूअर्स विदाउट बीचमैन, ऑल्दो इट ऑल्सो हैज डिक्लाइन बट स्टिल एट टॉप। एंड यहाँ पर वो और भी चीजों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि यार अभी के टाइम पे बीचमैन स्ट्रीमर्स उतना गेम को एंजॉय नहीं करते हैं, वो बस पुश करते हुए नजर आ जा रहे हैं, मतलब वही होता है ना, मतलब पेट पूजा के लिए। वेल, आपको इस चीज के ऊपर क्या कहना है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि यार बीजीएमआई में अब वैसी हाइप रही है फिर नहीं रही जैसे पबजी मोबाइल के टाइम हुआ करती थी। बट ऑनेस्टली मेरा तो यही मानना है कि यार पबजी मोबाइल के टाइम पे जो हाइप थी, जो क्रेज था, उसका यार 10% क्रेज भी अभी के टाइम पर नहीं है। इनफैक्ट यार अभी के टाइम पर जब मैं बीजीएमआई खेलता हूं, मुझे वो क्रेज, वो वाइब्स नहीं मिलती जो यार पबजी मोबाइल के टाइम पे मिलती थी। बाकी खैर आपका क्या ओपिनियन है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाकी इस वीडियो में सिर्फ इतना, मैं भी चाहता हूं मैं तो आपसे वीडियो में साइनिंग ऑफ।